इस जन्म का प्रेम नहीं, अनंत जन्मों का प्रेम जब एकत्रित होता है, उसका अभ्युदय होता है, तब वह परमात्मा प्रकट होता है। तो किसी और जन्म का प्रेम है कहाँ? ये मनु और शत्रुपा के रूप में थे, तो इन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया था। अच्छा, यहां तक कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परिवार भी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। अरे पत्नी से कहा नहीं था, वो तो चल दी पत्नी, कहा थोड़ी था कि मेरे साथ चलो। मनु जी ने शत्रुपा जी से ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, शत्रुपा जी तो स्वयं चल दी। लेकिन महाराज मनु ने संपत्ति छोड़ी, पुत्र, राज्य, प्रजा सब छोड़ दिया। सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। किसके पीछे छोड़ा? कहे उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। प्राप्त कब होगा? जब निर्गुण से सगुण होगा तब वो प्राप्त होगा। उसे निर्गुण से सगुण बनाने के लिए सब त्याग दिया। केवल एकमात्र उस सच्चिदानंद से प्रेम, सच्चिदानंद से प्रेम, और किसी से नहीं। अब इतना प्रेम पार्वती किसमें होगा कि जो सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए राज्य छोड़े, प्रजा छोड़े, परिवार छोड़े, पुत्र छोड़े। इतना बड़ा त्यागी कौन होगा, इतना बड़ा निर्मोही कौन होगा? पार्वती जी ने कहा, महाराज ऐसा मनु के जीवन में? हाँ यही तो मैं बता रहा हूं, वो राजपाट छोड़ के चल दिए। जब चलने लगे तो उनकी पत्नी पैर पकड़ ली, शत्रुपा। शत्रुपा जी ने पैर पकड़ लिए, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? महाराज मनु ने कहा कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो वो तो निर्गुण है, कहा इसलिए तो मैं समझ रहा हूं कि वो निर्गुण है, लेकिन उसे मैं सगुण बनाऊंगा, निश्चित रूप से उसे मैं सगुण बनाऊंगा। तो निर्गुण सगुण कैसे होगा? कहा ये तर्क का विषय नहीं है, ये समर्पण का विषय है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो चल के तुम भी देखो, तर्क मत करो। और महाराज मनु राजपाट छोड़ के चल दिया, शत्रुपा जी साथ में चल दिया। आप जहां जा रहे हैं वहीं मैं भी जाऊंगा। महाराज मनु ने कहा तुम्हारा पुत्र राजा बन गया है तो तुम राजमाता बन करके रहो। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, मैं राजमाता बन के नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा पति अगर राजा नहीं है, वो राज्य छोड़ रहा है, तो वो राज्य को त्यागे और मैं राजमाता बनूं? नहीं नहीं, मैं तो एक सुहागिन नारी हूं, मेरा सुहाग त्याग कर रहा है राज्य पाठ का। बोलो कर रहा है कि नहीं? मेरा सुहाग जो है राज्य वैभव का त्याग कर रहा है, तो मैं एक राज्य का त्याग नहीं कर सकती हूं। हे स्वामी, अगर पति और संपत्ति और संतान ये तीनों किसी नारी के सामने आ जाएं, खड़े हो जाएं, पति, संपत्ति और संतान, ये तीनों अगर किसी नारी के सामने खड़े हो जाएं, तो हे स्वामी मैं अपने अनुभव की बात तो कह ही रही हूं, लेकिन मैं सनातन संस्कृति के विचारों से ओतप्रोत हूं, संस्कारों से ओतप्रोत हूं। सनातन संस्कृति का डिमडिम नाद है कि नारी को सबसे पहले अगर वरण करना चाहिए तो अपने पति का ही वरण करना चाहिए, पति के अलावा किसी का वरण नहीं करना चाहिए। फिर हाँ, फिर अगर पति का वरण कर लिया तो संतान तो अपने आप मिल जाएगी, कोई संतान अलग से थोड़ी, वो तो पति का वरण किया तो संतान स्वाभाविक है। और पहले से संतान अगर है तो कहा वो संतान से प्रेम तो किया जा सकता है, लेकिन
उस संतान को प्रथम स्वीकार नहीं, प्रथम तो पति को ही स्वीकार किया जाएगा, बाद में संतान को स्वीकार किया जाता है। बोले संपत्ति, बोले संपत्ति का तो तीसरे नंबर पर स्थान है, संपत्ति का तीसरे नंबर पर स्थान है, लेकिन पति अगर मिल गया तो संतान भी मिल जाएगी और संपत्ति भी मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, दोनों ही मिल जाएगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पति के प्रति ही मन वचन कर्म से समर्पण होना चाहिए। वाह प्यारे, बहुत ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना, महत्वपूर्ण बात है ये। पुत्र भी सुन रहा था, उत्तानपाद जी सुन रहे थे, राज्य की प्रजा भी सुन रही थी कि शत्रुपा जी का क्या विचार है। और ये कथा जैसे हम आपको चित्रकूट धाम में सुना रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती जी को सुना रहे थे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से क्रम चल रहा था कथा, बस वहां केवल मात्र भगवान शिव वक्ता के रूप में और पार्वती जी श्रोता के रूप में। लेकिन प्यारे यहां तो आप सब बैठे हुए हैं, भगवान कामदनाथ जी स्वयं श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वहां कैलाश के शिखर पर केवल दो ही थे, वक्ता के रूप में भगवान शिव और श्रोता के रूप में स्वयं भगवती श्री पार्वती। पार्वती जी सुन रही हैं और प्रेम निमग्न हो रही हैं, प्रेम से उनका हृदय भरा जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती सारी प्रजा देख रही थी, पुत्र भी देख रहा था कि राज्य की महारानी ने संपत्ति और राज्य का त्याग किया, पुत्र का भी त्याग किया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। जहां पति होगा वहीं मैं हूंगी, मैं रहूंगी, सुख मिलेगा, सुखानुभूति महसूस करूंगी, क्योंकि पति का सुख मेरा सुख होगा, पति का दुख मेरा दुख होगा, अपना ना मेरा कोई निजी सुख है ना अपना निजी कोई दुख है। पत्नी की विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, पति के सुख में सुखी रहना और पति के दुख में दुखी रहना, अपना कोई निजी सुख दुख नहीं। संत के भी यही लक्षण होते हैं, समाज का दुख ही संत का दुख है और समाज का सुख ही संत का सुख है, अपना व्यक्तिगत ना उसका कोई सुख है ना अपना व्यक्तिगत उसका कोई दुख है। याद रखना, अंतर सिर्फ इतना है कि पत्नी पति के चरणार बिंदों में समर्पित रहती है और संत जगत पति के चरणों में समर्पित रहता है, अंतर इतना ही अंतर, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं।